आई स्वेयर तरुण, मम्मी जी ने तो एक मौका नहीं छोड़ा है, पूरी दुनिया के सामने हमारी और अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तरुण, मुझे तो लगता है हमें यहां से कहीं भाग जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सब के बाद हम अपनी फैमिली और सोसाइटी में तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मेरी मां की दोबारा शादी नहीं हो सकती। मां तू चल। रुक, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती प्रीति? मारी बात सुन, बचपन से लेके आज तक दूसरों ने थारे फैसले लिए जिंदगी के। पहले थारे पिताजी ने फैसला लिया कि तू किससे ब्याह करेगी, कुंडलियां मिली दिल का देना मिले। फिर पति ने फैसले लिए, पर बदले में थारे को ना कदे प्रेम दिया, कदे इज्जत दी, ना मान दिया। अरे आज तू अपनी जिंदगी का फैसला इस छोरे ने लेने देगी जो थारे को ठोकर पे रखे। अरे थारी जिंदगी है, थारी खुशियां है, अपने फैसले खुद ले। केटी सा थारे को बहुत प्रेम करे, थारी खुशियां बाहर खड़ी है, दरवाजा खोल ले। अरे मान जा, दोनों हाथों से बटोर ले अपनी खुशियां। के टिसाने थारी ये मांग भरी ना, इस सिंदूर के रंग में उनका प्रेम का रंग है, थारी को समझ आ रही है कि ना? Enough, कुसुम आंटी, मैं अपनी माँ को यहां से लेकर जा रहा हूं। चल चल। सुन प्रीति, हमारा ब्राइट फ्यूचर हमारा इंतजार कर रहा है, चलो चलो। एक बार में बात समझ में नहीं आती तुम्हारे? कह चुका हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं बचा है, अब खत्म हो गया है सब। 17 साल पहले आज भी खत्म है, कुछ नहीं है। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनसे शादी करने वाला हूं। बात समझ में आ गई तुम्हारे? What? ये झूठ है कीर्तन, और तुम खुद भी ना इस झूठ पर यकीन करना बंद कर दो और अपने दिल की सुनो, जो आज भी सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। वरना जिसकी मांग भरी है ना, उसके साथ साथ फेरे ले रहे होते तुम, लेकिन वो तो चली गई। तुम्हारी बिजनेस पार्टनर कहाँ है वो? सॉरी, लाइफ पार्टनर कहाँ है कीर्तन? सैड, सो सैड ना केटी? जब भी तुम किसी को अपने करीब लाते हो, वो तुम्हें छोड़कर चला जाता है और अकेले रह जाते हो तुम। तुमसे नहीं नंदिनी, प्रीति जी से प्यार करता हूं और इन्हीं के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूं। I love her. उसकी मांग भरने का हक सिर्फ मेरे पापा को था। मेरी मां की दोबारा शादी नहीं हो सकती। तू भी तो कहे ना कि केटी साहब खुश दिखने चाहिए, हमेशा खुश रहने चाहिए, तो चाहे कि उनका टूटा दिल जुड़ जाए। उनका तो दिल प्रेम में टूटा है ना, तो ये सवाल जवाब करके, शिकायतें करके तो ना जुड़ने वाला, वो तो प्रेम से जुड़ेगा। मैं घर से बाहर निकली थी अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए नहीं।
मैं तुमसे नहीं नंदिनी, प्रीति जी से प्यार करता हूँ और इन्हीं के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। आई लव हर। प्रीति जी, बात करना चाहता हूं आपसे। आप क्या बात करनी है तुम्हें? दो मिनट के लिए अकेले में। मतलब हद है। जब से तुम आए हो ना मेरी माँ की लाइफ में, मेरी माँ की जिंदगी और उनका दिमाग दोनों खराब हो गया है। तरुण, केटी साहब, आप प्रीति से बात करना चाहो ना, आप बात करो। आपका बात करना बहुत जरूरी है। चल यहां से। पर ये क्या बात? चल। केटी, केटी शाला, केटी को ढूंढ रही हो? हाँ, बात हुई आपसे। जाने दीजिए, आपकी बात नहीं सुनेगा वो। मुझे मेरा पोता चाहिए बस, और मैं केटी को समझाऊंगी, वो मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ, और तुम्हारे कहने पे शायद वो नंदिनी को अपना भी ले। क्या तुम भी यही चाहती हो? तुम कैसे उस नंदिनी को माफ कर सकती हो जिसने तुम्हारे बेटे का दिल तोड़ा? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। आप देखना, जब वो अर्जुन मेरे केटी की जिंदगी में आएगा ना, तो हमारा केटी अपने सारे गम भुला के, सारे दुख भुला के एक बड़ी जिंदगी अपनी अच्छे से खुशी से जी पाएगा। मुंह पोते के मुंह में तुम बेटे के दर्द को भूल रही हो। तुम ये भूल रही हो कि नंदिनी जब उसकी जिंदगी से गई थी, तब सिर्फ दर्द ही देकर नहीं गई, वो केटी के आत्मा को वो ठेस पहुंचा कर गई थी। और आज तक केटी मरहम लगाकर उस दर्द को कम करने की लगातार कोशिश करते जा रहा है, लेकिन उसका दर्द कम नहीं हो रहा है। कुशाला, नंदिनी ने उसे जो धोखा दिया था ना, उसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए केटी टूट चुका है। और आज तुम केटी को फिर उस नंदिनी के पास धकेल रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ये नंदिनी से कोई लेना देना नहीं है। अब समझते क्यों नहीं है? मुझे उस अर्जुन से लेना देना है। वो हमारे केटी का अंश। इस बात की क्या गारंटी है कुशाला कि अर्जुन केटी का ही बेटा है? कैसे यकीन कर सकती हो तुम नंदिनी की बातों पर? धोखे धोखे ही दिए उसने केटी को सिर्फ। नंदिनी भरोसा करने के लायक औरत नहीं है। प्रीति जी, सही गलत, अच्छा बुरा नहीं जानता मैं। हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। शायद थोड़ा डर गई होंगी ना। मैं सच कहूं तो मैं भी थोड़ा सा डर गया था। नहीं, मतलब मैं डरा नहीं था, लेकिन कुछ हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। कोहरा सा छा गया था मेरे आंखों के आगे।
17 साल के बाद जो अचानक आए है ना नंदिनी, मुझे हिला के रख दिया उसने। कुछ दिनों से आभास हो रहा था मुझे कि है कुछ गड़बड़, आसपास है कहीं, मेरा अतीत मुझे खींच रहा है, सब समझ में आ रहा था, लेकिन था नहीं कुछ सामने। आज अचानक से वो ऐसे, और फिर आप भी कुछ दिनों से कह रही थी ना, फैसला ले लिया था ना आपने कि हमारा आखिरी प्रोजेक्ट है शादी के बाद हम, तो मुझे भी पता था कि आज के बाद मैं दोबारा आपको कभी देख नहीं पाऊंगा, और मुझे अंदर ऐसे लग रहा था कि, मुझे लग रहा था मेरे अंदर से कुछ ऐसे उसे बाहर निकल कर जा रहा, और मैं उसे रोकना चाह रहा था, और बस मैं अपने आप को प्रीति जी, प्रीति जी आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ भी हुआ, मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने किया है, आप पर कोई प्रेशर नहीं। मैं जानता हूं कि आज मैंने आपको एक बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है, वो हो गया मुझसे, और मैं ये भी जानता हूं कि ये जो शादी है, मतलब हमारी शादी, उसे आप स्वीकार करना नहीं चाहती हैं, ठीक है ना, शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, शादी के बारे में हम दोनों से बेहतर भला कौन जान सकता है, मतलब शादी मुबारक में दूसरों की शादी कराते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि शादी को हमें हल्के में लेना चाहिए, तो प्लीज आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, प्लीज सब ठीक है, जैसे जो होना चाहिए वही कीजिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप इस शादी को एक्सेप्ट करें या साथ फेरे लें या, ठीक है ना, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मेरा क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, या अगर ऐसा हो गया तो नंदिनी को और एक मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का या मुझ पर हंसने का, या फिर अगर मैंने उसका हाथ नहीं थामा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, ये सब आप बिल्कुल मत सोचना, करने दो उसे जो करना है, केटी है ना सब संभाल लेगा, तो फर्क है ना पहले वाले केटी और अब में, पहले तो पता है नंदिनी जब छोड़कर गई थी तो 3 साल तक डिप्रेशन में रहा था, लेकिन अब अलग है, अब मैं स्ट्रॉन्ग हूं, चट्टान की तरह खड़ा हूं, अकेला खड़ा रहूंगा, रह सकता हूं मैं, मुझे डर नहीं लगता अकेले रहने से, संभालूंगा मैं, इस बार टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये मत सोचेगा आप कि मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा, या फिर मीडिया क्या कहेगी, मेरा मजाक उड़ाएगी, मीडिया क्या कहे, 2-3 दिन के लिए वो बोलते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करना, आपको जो फैसला लेना है आप वही लेना, मेरी परवाह किए बगैर, क्योंकि ये आपका फैसला होगा, और आपका जो भी फैसला होगा उसका मैं आदर करूंगा, उतना ही सम्मान करूंगा जितना सम्मान मैंने आज तक आपका किया है, आप अपना फैसला लेना, चलता हूं हम, और आखिरी बात कहनी थी, जाने अनजाने में अगर मेरी वजह से आपको कोई चोट पहुंची हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं
जानती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। रूह का बंजारा रे परिंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, छट गया दिल का रे घरौंदा, तोड़ के रे घरौंदा, तोड़ के गया छोड़ के। संसार में जो भी होवे वो किसी वजह से होवे, सब कुछ पहले से तय होवे, ऊपर वाला रचे। थारे लाडू गोपाल अठे होते ना तो थारे को खुद बोलते कि लाडी ये सब कुछ मारा ही रचा हुआ है, मैं चाहूं कि तुम दोनों मिलो। देख मारी मान ये जोड़ी ना ऊपर से बन के आई है, के टिसाने थारी ये मांग भरी ना, इस सिंदूर के रंग में उनका प्रेम का रंग थारे को समझ आ रही है कि ना। के टिसा थारे को बहुत प्रेम करे, थारी खुशियां बाहर खड़ी है, दरवाजा खोल ले। केटी की किस्मत ही खराब है, हर बार पत्नी सुख से वंचित रह जाता है। शादीशुदा जिंदगी का सुख का योग लिखा ही नहीं उसके जीवन में। योग नहीं, पिछले जन्मों के पापों का फल भी होता है। अच्छा? हाँ, आप देखो ना, पिछली वाली बीवी शादी के बाद घर छोड़कर भाग गई और ये वाली मंडप से भाग गई। सच कहा तुमने, सच में इसकी नसीब ही खराब है। अरे भाई, आज यहाँ शादी होगी भी कि नहीं? नहीं होगी शादी। चलिए बंद कीजिए सब, कोई शादी वादी नहीं होगी। सही किया, समझ गए, खुद तमाशा शुरू करके खुद ही खत्म कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है हूँ क्या रहा है। मैं अकेला हूं, हमेशा अकेला रहा हूं और अकेला ही रहूंगा। चलिए कोई शक, उनका जो भी फैसला होगा मैं उनका साथ दूंगी और हमेशा दूंगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।